ये तस्वीरें शंभू खनौरी बॉर्डर की, जहां पर पंजाब के 101 किसान दोपहर 12 बजे पैदल शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया। यहां पुलिस और किसानों के बीच बहस भी हुई, तो हरियाणा पुलिस ने किसानों से दिल्ली जाने की परमिशन मांगी है। उनका कहना है कि बिना परमिशन के वे दिल्ली नहीं जा सकते। इसके बाद किसानों ने बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश की। इस पर हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के जो है गोले छोड़े, किसान पीछे की तरफ भागे। तस्वीरें सामने आई हैं। करीब एक घंटे बाद जब किसान दोबारा दीवार के पास पहुंचे तो आंसू गैस के गोले दागे गए। इसमें किसान घायल हुआ जो बठिंडा का रहने वाला है। तो उसी के तहत किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का भी बयान सामने, कहा कि हमने 101 किसानों की लिस्ट जारी की है। उधर हरियाणा पुलिस का कहना है कि हम पहले किसानों की पहचान करेंगे, फिर उन्हें आगे जाने देंगे। हमारे पास 101 किसानों के नामों की लिस्ट है और वह लोग नहीं है, वह किसान नहीं है, वह हमें अपनी पहचान नहीं करने दे रहे। किसान हथियार लेकर आए हैं। वही हरियाणा और पंजाब पुलिस ने मीडिया को दूर से कवरेज करने की सलाह दी। ऐसे में किसान केंद्र सरकार के फसलों पर MSP की गारंटी के कानून समेत 13 मांगे कर रही है। इससे पहले 6 दिसंबर को भी किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे जिसमें 8 किसान घायल हो गए। इसके बाद पंधेर ने किसानों को वापस बुला लिया। तो उसी के तहत आज फिर किसानों द्वारा दिल्ली कूच किया जा रहा है। किसानों का एक जत्था जिसमें 101 किसान जो है शामिल है, दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो आइए एक बार नजर मारते हैं इन तस्वीरों पर।